नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस दो वर्ड से बना है, पेरिटोन और आइटिस। आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन और पेरिटो जो टर्म है वो बनी है पेरिटोनियम से। पेरिटोनियम जो होती है वो हमारी जो जीआईटी है उसके जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं जैसे कि लीवर है, स्टमक है, इन सबको कवर करती है। और इसके अलावा जो एब्डोमिनल लाइन है ये इसको कवर करती है। तो ये होती है पेरिटोनियम मेम्ब्रेन। तो इसी का जो इन्फ्लामेशन होता है वो कहलाता है पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम। पेरिटोनियम इज़ ए मेम्ब्रेन दैट लाइन इनर एब्डोमिनल वाल। ये इनर एब्डोमिनल वाल है, इसको लाइन करेगी एंड कवर्स द ऑर्गन्स विद इन द एब्डोमन। और एब्डोमन के अंदर जो ये ऑर्गन्स हैं इनको कवर करती है। तो ये हो गई पेरिटोनियम और इसका इन्फ्लामेशन कहलाता है पेरिटोनाइटिस। अब जो पेरिटोनाइटिस होता है वो मेनली टू टाइप्स का होता है। देर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ पेरिटोनाइटिस। कौन कौन से हैं टाइप वो? पहला है स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस, जिसको हम शॉर्ट में SBP कहते हैं। S4 स्पॉन्टेनियस, B4 बैक्टीरियल और P4 पेरिटोनाइटिस। और दूसरा टाइप जो होता है वो होता है सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। अब ये दोनों होते क्या हैं, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस और सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस? तो पहला है SBP, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। ये डेवलप होता है एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ लीवर डिजीज सच एज सिरोसिस और ऑफ किडनी डिजीज। किडनी डिजीज की कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है या लीवर की कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है, इस तरह की कंडीशन में होता है। और ये मेनली बैक्टीरिया की वजह से होता है। इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और उससे ये डेवलप हो जाता है। दूसरा होता है सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। ये क्या होता है? रिजल्ट फ्रॉम रप्चर या परफोरेशन इन एब्डोमन। एब्डोमन में कोई परफोरेशन हो रहा है, वो मीन्स कोई प्रोसीजर कर रहे हैं और उससे एब्डोमन में परफोरेशन हो गया, तो वहाँ पर इन्फेक्शन फैल जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को कहते हैं हम सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट है, ए कॉमन कॉज ऑफ पेरिटोनाइटिस इज पेरिटोनियल डायलिसिस थेरेपी। पेरिटोनियल डायलिसिस जो किया जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है उसके बाद उसके लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है पेरिटोनियल डायलिसिस, उसमें पेरिटोनियम का ही इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए वहाँ पर इन्फेक्शन होने की वजह से पेरिटोनाइटिस हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कॉमन कॉजेज ऑफ रप्चर दैट लीड टू पेरिटोनाइटिस इंक्लूड। रप्चर जो होता है या परफोरेशन होता है तो उसकी वजह से पेरिटोनाइटिस होता है। तो उस रप्चर के क्या क्या कॉज हो सकते हैं? ये हो सकते हैं मेडिकल प्रोसीजर सच एज पेरिटोनियल डायलिसिस। मेडिकल प्रोसीजर जो कि यूज़ किया जाता है किडनी फेलियर में, पेरिटोनियल डायलिसिस वो हो सकता है इसका कारण। नेक्स्ट है ए रप्चर्ड अपेंडिक्स, स्टमक अल्सर और परफोरेटेड कॉलन। अपेंडिक्स रप्चर हो जाता है तो पेरिटोनाइटिस हो सकता है, स्टमक अल्सर और परफोरेटेड कॉलन हो गई है यदि, तो इन कंडीशन में पेरिटोनाइटिस हो सकता है। पेंक्रियाटाइटिस की कंडीशन में हो सकता है, इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है पेरिटोनाइटिस। डायवर्टिकुलाइटिस की कॉम्प्लिकेशन हो सकती है और ट्रॉमा, कोई भी इंजरी हुई है तो उससे वो होल बनेगा, होल से इन्फेक्शन होगा पेरिटोनियम का और इन्फ्लामेशन की वजह से ही पेरिटोनाइटिस होगा। तो ये कॉमन कॉजेज हैं, पेरिटोनियल डायलिसिस, रप्चर अपेंडिक्स, स्टमक अल्सर, परफोरेटेड कॉलन, पेंक्रियाटाइटिस, डायवर्टिकुलाइटिस एंड ट्रॉमा। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ पेरिटोनाइटिस। क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे? एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस। एब्डोमिनल पेन होता है और वो एरिया रिजर हो जाता है, वहाँ पर टेंडरनेस हो जाती है। ब्लॉटिंग और फुलनेस फीलिंग इन एब्डोमिन। ऐसा लगता है कि एब्डोमिनल फुल है और ब्लॉटिंग होती है उसमें,
और इसके अलावा एब्डोमिनल डिस्टेंशन होती है, इन्फ्लामेशन की वजह से फीवर होता है, नोजिया एंड वॉमिटिंग, जीआईटी सिस्टम से रिलेटेड सिम्टम है ये, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया और लो यूरिन आउटपुट। तो ये साइन एंड सिम्टम्स हैं जिसमें मेनली है एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया एंड लो यूरिन आउटपुट। नेक्स्ट है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे हम? तो जब ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें जो WBC काउंट है वो रेज्ड होती हैं, बढ़ी हुई होती हैं, हाई WBC काउंट होती हैं। और ब्लड कल्चर कराते हैं तो उसमें बैक्टीरिया का पता लगता है हमें कि किस बैक्टीरिया की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से ब्लड टेस्ट किए जाते हैं डायग्नोसिस के लिए। दूसरा है चेस्ट एक्सरे और अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, ये सब किए जाते हैं टू चेक होल्स और परफोरेशन इन GIT ट्रैक, कि कोई परफोरेशन या कोई होल तो नहीं है GIT ट्रैक्ट में। नेक्स्ट आता है पेरिटोनियल फ्लूड एनालिसिस। पेरिटोनियल फ्लूड को पैरासेंटिसिस के थ्रू, प्रोसीजर के थ्रू निकाला जाता है और उसमें चेक किया जाता है कि कोई बैक्टीरिया जो कि पेरिटोनाइटिस कॉज कर रहा है वो प्रेजेंट है या नहीं है, और उसके हिसाब से डायग्नोसिस किया जाता है पेरिटोनाइटिस का। तो मेनली ब्लड टेस्ट जिसमें कि WBC रेज्ड होते हैं, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन जिससे कि हम देखते हैं परफोरेशन के बारे में, और पेरिटोनियल फ्लूड एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं सेप्सिस, इन्फेक्शन की वजह से, और शॉक। शॉक हो जाता है क्योंकि हाइपोवोलेमिया हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स से जो फ्लूड है वो पेरिटोनियल कैविटी में और एब्डोमिनल कैविटी में कलेक्ट हो जाता है, इसकी वजह से शॉक हो जाता है। तो ये दो कॉम्प्लिकेशन इम्पॉर्टेंट है इन केस ऑफ पेरिटोनाइटिस। नेक्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट। तो मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा पेरिटोनाइटिस का? सबसे मेन है फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, क्योंकि हाइपोवोलेमिया हो जाता है, और इसमें फ्लूड में हम मेनली देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन जैसे कि रिंगर लैक्टेट। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स दिए जाते हैं पेन रिलीफ के लिए। इंट्यूवेशन एंड सक्सन। सक्सन किए क्यों किया जाता है? क्योंकि एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है तो उसको रिलीव करने के लिए इंट्यूवेशन एंड सक्सन किए जाते हैं। ऑक्सीजन थेरेपी दी जाती है क्योंकि फ्लूड जो होता है वो एब्डोमिनल कैविटी में कलेक्ट होता है तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है और इसलिए ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाती है टू ट्रीट इन्फेक्शन, जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसके लिए हम एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं। तो ये हो गया मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ पेरिटोनाइटिस, फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जिसमें मेनली हम देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एनाल्जेसिक्स फॉर एब्डोमिन पेन, इंट्यूबेशन एंड सक्सन टू रिलीव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ऑक्सीजन थेरेपी एंड एंटीबायोटिक थेरेपी। नेक्स्ट है सर्जरी। सर्जरी में हम करते हैं एक्सीजन जिसमें कि अपेंडिक्स जो रप्चर है या फिर इन्फ्लाम्ड है उसका एक्सीजन कर दिया जाता है जिससे कि रप्चर नहीं हो वो, और वो उसका इन्फेक्शन जो है वो पेरिटोनियम तक नहीं फैले। नेक्स्ट है रिसेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। रिसेक्शन किया जाता है इंटेस्टाइन का और फीकल डाइवर्जन किया जाता है। फीकल डाइवर्जन करके इन्फेक्शन को पेरिटोनियम तक पहुंचने से रोका जाता है। तो ये मेनली सर्जरी की जाती है पेरिटोनाइटिस के केस में, एक्सीजन, स्पेशली अपेंडिक्स के केस में रिसेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन एंड फीकल डाइवर्जन। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस सबसे पहले जो फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है एक्यूट पेन रिलेटेड टू पेरिटोनियल इरिटेशन। पेरिटोनियल इरिटेशन की वजह से एक्यूट पेन होता है, फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस। सेकंड है डेफिशिएंट फ्लूड वॉल्यूम रिलेटेड टू मैसिव शिफ्टिंग ऑफ फ्लूड टुवर्ड द इंटेस्टाइनल ल्यूमन एंड डिप्लीशन इन द वैस्कुलर स्पेस। फ्लूड वॉल्यूम की कमी हो जाती है
वैस्कुलर स्पेस में, ब्लड वेसल्स में, क्योंकि वहाँ से जो फ्लूड है वो एब्डोमिनल कैविटी में आ जाता है। नेक्स्ट है रिस्क फॉर शॉक रिलेटेड टू सेप्टिसीमिया और हाइपोवोलेमिया। हाइपोवोलेमिया की वजह से शॉक हो सकता है और सेप्टिसीमिया इन्फेक्शन की वजह से शॉक हो सकता है। तो ये मेनली डायग्नोसिस है। सो मेनली एक्यूट पेन, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम और रिस्क फॉर शॉक रिलेटेड टू सेप्टिसीमिया और हाइपोवोलेमिया। नेक्स्ट है नर्सिंग इंटरवेंशन। तो नर्सिंग इंटरवेंशन में मेनली है ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, मेडिकेशंस जो भी हम दे रहे हैं, एनाल्जेसिक्स, एंटीबायोटिक्स, पेन मैनेजमेंट, इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटरिंग, आईवी फ्लूड्स, ड्रेनेज मॉनिटरिंग। तो ये सब चीज़ें हम नर्सिंग इंटरवेंशन में करते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, मेडिकेशन, पेन मैनेजमेंट, इनटेक एंड आउटपुट मॉनिटरिंग, आईवी फ्लूड्स एंड ड्रेनेज मॉनिटरिंग। तो आज का हमारा टॉपिक था पेरिटोनाइटिस, जिसपे मैंने जो पेरिटोनियम मेम्ब्रेन है उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है और इसी को हम कहते हैं पेरिटोनाइटिस। इसमें मेनली जो है दो प्रकार का होता है, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस एंड सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्टेंशन एंड जो जीआईटी से रिलेटेड साइन एंड सिम्टम्स हैं वो होते हैं। डायग्नोसिस में मेनली डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ी हुई होती हैं और जो पेरिटोनियल फ्लूड है उसका हम निकाल के उसको और फिर देखते हैं उसमें कोई बैक्टीरिया तो नहीं है जो कि पेरिटोनाइटिस कॉज कर रहा है, इससे डायग्नोसिस करते हैं। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एंड सीटी स्कैन किया जाता है और इसके मेडिकल मैनेजमेंट में मेनली फ्लूड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।